नेक्स्ट टॉपिक है आपका शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन मीन्स व्हाट इज द शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन ये होता क्या आपका बेसिकली इसके बारे में देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द माइक्रो ऑपरेशन व्हाट इज द माइक्रो ऑपरेशन वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द माइक्रो ऑपरेशन हाउ टू डिफाइन द माइक्रो ऑपरेशन दैट इज द ऑपरेशन परफॉर्म द ऑपरेशन परफॉर्म ऑन द डेटा स्टोर डेटा स्टोर इन रजिस्टर इज कॉल्ड माइक्रो ऑपरेशन मीन्स जो भी जो भी रजिस्टर में आपके डेटा स्टोर होते हैं उसके ऊपर जो ऑपरेशन होता है वो क्या होता, होता है आपका माइक्रो ऑपरेशन होता है आपका दैट इज द ऑपरेशन परफॉर्म ऑन द डेटा स्टोर इन द रजिस्टर जो भी आपका डेटा स्टोर होता है रजिस्टर में उसके ऊपर जो भी आपका ऑपरेशन होता, हो, होता, होता है वो क्या होता है आपका माइक्रो ऑपरेशन होता है यू बी टॉक अबाउट द टाइप ऑफ द माइक्रो ऑपरेशन कितने टाइप का होता है ऑलरेडी मैंने बता रखा है कितने टाइप के फोर टाइप के फर्स्ट क्या था आपका फर्स्ट इज वॉट फर्स्ट इज वॉट रजिस्टर ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन रजिस्टर ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन दैट इज योर आर टी एम रजिस्टर्ड ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन सेकेंड क्या था आपका लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशन थर्ड क्या था आपका अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन फोर्थ क्या था आपका माइक्रो ऑपरेशन ध्यान रखना तो ये फोर टाइप के थे आपके माइक्रो ऑपरेशन तो इसमें एक एक टाइप था आपका क्या था आपका सिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन तो वो क्या होता है बेसिकली बी द दिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन

बिट बाय बिट आपको डेटा ट्रांसफर करना है इसको क्या बोलते हो आप सीरियल ट्रांसफर ऑफ द डेटा और यू कैन द इंफॉर्मेशन ठीक है टाइप ऑफ द शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन कितने टाइप का होता है आपका तो क्या होता है आपका शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन के टाइप कितने होते हैं तो देर आर थ्री टाइप ऑफ द शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन फर्स्ट इज वॉट माइक्रो ऑपरेशन सर्कुलर शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन एंड थर्ड वन इज वॉट टिक सिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन तो तीन के आपके टाइप किसके सिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन के तो एग्जाम में क्वेश्चन आपके आ जाते हैं सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है आपका एक, एक दो या दो नंबर का आ जाता है या तो इस पर है या तो इस पर न्यूमेरिकल दे देगा आपका कोई रजिस्टर दे देगा दे उसकी वैल्यू कुछ भी दे देगा दे आपका आर वन जैसे आपका रजिस्टर आर वन है इसकी वैल्यू दे दिया जीरो वन जीरो रजिस्टर है अब इसके ऊपर कौन सा ऑपरेशन करना है आपको सिफ्ट लॉजिकल ऑपरेशन करना है या तो आर्थमेटिक ऑपरेशन करना है या सर्कुलर ऑपरेशन करना है तो आपको उसके अकॉर्डिंग डेटा को मूव करना पड़ेगा वन बाई वन इधर लेफ्ट और राइट और सर्कुलर तो यहां देखो फर्स्ट क्या था आपका लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशन तो लॉजिकल में क्या क्या होता है आपका लॉजिकल में क्या करोगे आप यू टू मूव द डेटा लॉजिकली बाय शिफ्ट और मीन्स यू हैव टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट मीन्स इसमें शिफ्ट लेफ्ट करोगे या शिफ्ट राइट right करोगे ध्यान रखना मीन्स लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट या लॉजिकल शिफ्ट राइट करके आएगा तो समझ जाना आपको लॉजिकली डेटा को शिफ्ट करना है इधर लेफ्ट और इधर लेफ्ट और राइट right. मीन्स आपको लेफ्ट भी करना हो सकता है तो राइट भी डेटा ट्रांसफर करना हो सकता है बिट बाई बिट ध्यान रखना जिसका शॉर्टकट में क्या लिखा होगा आपका एस एस एच एल मीस लॉजिकल शिफ्ट राइट लेफ्ट ध्यान रखना लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट उसमें लिखा होगा लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट करना है तो एस एच एल लिखा होगा एस एच आर मीनस शिफ्ट राइट right. कौन सा होगा आपका लॉजिकल शिफ्ट राइट टॉक अबाउट द सर्कुलर शिफ्ट इसमें क्या आप करोगे आप डेटा को सर्कुलरली मूव करोगे दैट इज द इसमें क्या टर्म दिखेगा आपको सी आई एल एंड सी आई आर दिखेगा सी आई एल मीन्स सर्कुलर लेफ्ट सी आई आर मीन सर्कुलर राइट शिफ्ट अर्थमेटिक में क्या दिखेगा आपको अर्थमेटिक शिफ्ट में अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्ट या अर्थमेटिक शिफ्ट राइट मींस डेटा को या तो राइट right शिफ्ट करोगे या तो लेफ्ट शिफ्ट करोगे ठीक है तो इसमें right क्या दिखेगा आपको एस एच एल दिखेगा एल आपका लेफ्ट शिफ्ट होगा आपका राइट शिफ्ट होगा या तो ऐसे लिखा होगा ए एस एच एल या ए एस एच आर ध्यान रखो ना आर्मीज राइट एलम ठीक है अब यहां पे देखो एस एच एल यहां पे भी देखो एल आर आर्मिज राइट चीज को ध्यान रखना शॉर्टकट पर लिखा हुआ तो है कि राइट right करना है और उसमें रखना कि कौन सा ऑपरेशन करना है लॉजिकल करना है कि सर्कुलर करना है कि अर्थमेटिक करना है आपको अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देखते रहे लॉजिकल शिफ्ट ऑपरेशन पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं अब क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में आते हैं ठीक है तो मान लो कोई भी क्वेश्चन हो गया आपका ये क्वेश्चन है लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट या लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट इस पे अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन आपका एक रजिस्टर दे दिया आपकी वैल्यू क्या हो गया रजिस्टर की वैल्यू वैल्यू क्या आपकी? एक है, इसकी क्या मान लो एक रजिस्टर है उसकी क्वेश्चन में जीरो ऑपरेशन करना है आपको लॉजिकल शिफ्ट ऑपरेशन करना है लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट करना भी है और राइट right भी करना है तो लॉजिकल शिफ्ट राइट करना है और लेफ्ट भी करना है तो देखो ध्यान से देखना फर्स्ट देखो क्या दिया आपको लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट करना है आपको तो लेफ्ट शिफ्ट में क्या करोगे आप यू हैव टू मूव द डेटा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट राइट मीन आपको डेटा क्या करना है लेफ्ट की तरफ मूव करना है तो डेटा की तरफ मूव करोगे आप लेफ्ट राइट ध्यान रखना तो कैसे मूव होगा आपका डेटा देखो यहां से मूव किया वन पे शिफ्ट होगा आपका लेफ्ट शिफ्ट शिफ्ट करना है तो वन का जो बिट होगी होगी आपकी लेफ्ट हो पे अगेन जीरो शिफ्ट हो जाएगा आपका लेफ्ट पे अगेन वन शिफ्ट होगा आपका लेफ्ट पे ठीक है और जो लास्ट की बिट होगी आपकी ध्यान रखना दिस इज यूर एमएसबी बिट एंड दिस इज योर एल एस बी बिट तो जो भी आपकी एमएसबी बिट होगी क्या होगी आपकी वो शिफ्ट होकर क्या आपके? हो जाएगी आपकी डिस्कारटेड हो जाएगी रिजेक्टेड हो जाएगी राइट उसको क्या करोगे आप लॉस्ट कर दोगे कैंसिल कर दोगे ध्यान रखना तो जो भी लास्ट वाले बिट होगी वो क्या हो जाएगी आपकी कैंसिल हो जाएगी रिजेक्टेड हो जाएगी ध्यान हाँ रखना और एक क्या करोगे आप जीरो बिट इंसर्ट करोगे यहाँ से राइट राइट से एक क्या करोगे आप जीरो बिट जो ये पोजीशन खाली होगी ब्लू कलर का लिखा है यहाँ पे क्या करोगे आप जीरो इंसर्ट कर दोगे तो एक क्या हो जाएगा आपका लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा इसको क्या बोलोगे आप लॉजिकल ये क्या हो जाएगा आपका लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट ध्यान रखना आपने डेटा का पर दिया लेफ्ट की तरफ मूव किया एरो देखो एरो की डायरेक्शन तो जो आपकी एमएसपी बिटोगी इसको क्या करोगे आप डिस्कार्ड कर दोगे रिजेक्ट कर दोगे ध्यान रखना उसको लॉस्ट कर दोगे कैंसिल कर दोगे उसको इंक्लूड नहीं करोगे आपको ध्यान रखना और जो लास्ट में एक एक सीट जो आपकी जो एक वैकेंट रेगा वहां पर क्या करोगे आप जीरो इंसर्ट कर दोगे ये क्या हो गया आपका लॉजिकल शिफ्ट ऑपरेशन हो गया उसी तरह एक नेस्ट के आपका लॉजिकल राइट शिफ्ट मींस आपको क्या करना है डेटा को राइट मूव करना है मींस आपका डेटा किधर मूव होगा राइट की तरफ मूव होगा वन बाय वन बिट ध्यान रखना तो जो भी आपके एमएसबी बिट है ठीक है दिस वन क्या होगी आपकी एमएसबी बिट होगी ये क्या होगी आपकी सबसे राइट मोस्ट बिट को क्या बोलते हो एलएसबी बिट होती है ध्यान रखना राइट शिफ्ट करना right राइट right तो, right तो, right तो, तो इस वन को क्या करोगे आप रिजेक्ट कर दोगे कैंसिल कर दोगे ध्यान रखना बाकी अगेन ये वन कहां पे आ जाएगा नेक्स्ट जाए जाए पोजिशन पे आ जाएगा इस पोजिशन पे आ जाएगा ये वन कहां पे आ जाएगा ये जीरो कहां पे आएगा आपका इस जीरो पोजिशन पे आ जाएगा जी वन अगेन इस जू वन पोजिशन पर आ जाएगा आपका इस वाले बॉक्स में आ जाएगा बाकी बचा क्या आपका एमएस बी बीट बच्चा यहाँ पे क्या होगा आपका कोई डेटा नहीं यहाँ पे गिवन है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एम एस बी बीट को क्या करोगे फील्ड विद द जीरो मीन्स यहाँ पे जीरो फील्ड कर दोगे ध्यान रखना तो ये क्या होगा आपका राइट शिफ्ट हो गया ध्यान रखना तो इसको बोलोगे लॉजिकल राइट शिफ्ट तो एक आपने किया लॉजिकल लेफ्ट एक क्या किया आपने लॉजिकल राइट किया ध्यान रखना

इस वाले पॉइंट में क्या करोगे आप अर्थमेटिक राइट शिफ्ट में क्या करोगे आप बिट्स जो होंगी आपकी वन एंड जीरो क्या होंगी बिट्स मीन्स वन एंड जीरो राइट वन एंड जीरो जो आपकी बिट्स होंगी जो क्वेश्चन में गिविन होगा आर मूविंग टूअर्ड द राइट साइड किधर मूव होंगी राइट साइड में मूव होगी तो देख सकते हो जहाँ से यहाँ पे जो आपकी बिट्स हैं किधर मूव हो रही हैं राइट साइड मूव हो रही हैं देख सकते हो यहाँ पे एरो इंडिकेट कर रहा है आपका ये किधर मूव हो रही है आपकी राइट right साइड और ध्यान रखना जो एल एस बिट होगी हमेशा डिस्कार्टेड होगी क्योंकि जब ये राइट मूव होगा तो क्या हो जाएगा ये वाली बिट्स क्या हो जाएगी आपकी लॉस्ट हो जाएगी डिस्कार्टेड हो जाएगी रिजेक्टेड हो जाएगी ध्यान रखना मिस उस वाली बिट को आप इंक्लूड नहीं करोगे उसको आप लॉस्ट कर दोगे डिस्कार्ड कर दोगे रिजेक्ट कर दोगे ध्यान रखना बाकी जो आपकी एम एस पी बिट होगी वो एजटीज होगी ध्यान रखना वो आगे शिफ्ट भी होगी बाकी एजटी जो अपनी पोजिशन को रिटेन करेगी वहीं पर होगी आपकी ध्यान रखना अगर यहाँ पे वन लिखा है मीन्स यहाँ पे अगर वन है तो वन ही होगा ध्यान रखना वन यहाँ पे भी होगा वन आगे भी मूव होगा ध्यान रखना अगर यहाँ पे जीरो है तो जीरो भी होगा ध्यान रखना वो सेम बीट आपकी वहीं पे होगी ध्यान रखना उसको चेंज नहीं करना हमें ठीक ये क्या होती है कौन सी बीट होती है आपकी साइन बीट होती है उसको चेंज नहीं कर सकते साइन बीट नो चेंज क्योंकि साइन क्या आपका साइन बीट होती है वो चेंज नहीं होगी ध्यान रखना अगर जीरो है तो पॉजिटिव वन मीन्स नेगेटिव नंबर तो साइन बीट क्या होगी आपकी चेंज नहीं होगी ध्यान रखना तो एम एस बी को हम क्या करते हैं ध्यान पे वहां पर जीरो पे एक क्या आपका फोर बिट का एग्जाम्पल था अगर मैं एट बिट का एग्जाम्पल की बात करूं देखिए आपका एट बिट का कोई भी नंबर है जैसे मान लो रजिस्टर वन की वैल्यू क्या मैंने आपकी जीरो 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 वन जीरो वन जीरो राइट ये आपका एट बिट का डेटा गिवन है रजिस्टर आर वन की वैल्यू गिवन है अब मान लो मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको इस पर क्या करना है आपको अर्थमेटिक राइट शिफ्ट करना है आपके सेशनल एग्जाम में भी इस टाइप से क्वेश्चन आया था आपका राइट शिफ्ट करना है या तो लेफ्ट शिफ्ट करना है अर्थमेटिक हो सकता है लॉजिकल भी हो सकता है सर्कुलर भी हो सकता है तो देखो यहाँ पे डेटा आपका एट बिट का गिवन है तो इस टाइप से बॉक्स बना लो आप ध्यान रखना बॉक्स बनाने के बाद क्या करोगे आप जो आपकी अगर अर्थमेटिक की बात हो रही है तो जो आपकी एम एस बी बिट होगी ध्यान रखना एच होगा ध्यान रखना उस पर कोई चेंज नहीं होगा वो शिफ्ट होने के बाद भी वहाँ पे क्या करोगे आप एच टीज रखोगे इस वजह से मैंने इस टाइप से डायग्राम में बना रखा है ये वाली बिट की पोजीशन चेंज नहीं होगी एच टीच वही अगर जीरो है तो जीरो होगा तो वन होगा तो वन ही रहेगा तो यहाँ से देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे क्या लिखा है आपका जीरो अब हमें क्या करना है राइट शिफ्ट करना है तो डेटा किधर मूव होगा बिट्स किधर मूव होगी राइट की तरफ मूव होगी तो देखो यहाँ पे जीरो किधर आ गया आपका ये जीरो क्या हो गया आपका लॉस्ट हो गया जो आपकी एम एस बी बिट है वो क्या हो आपकी एल एस बिट सॉरी एल एस बिट क्या हो आपकी लॉस्ट हो गई जीरो को हमने डिस्कार्ड कर दिया बाकी देखो वन को हमने मूव किया नेक्स्ट वाले बॉक्स में वन आ गया आपका जीरो आपका नेक्स्ट वाले बॉक्स में यहाँ पे आ गया आपका ठीक है ये यह वन यहाँ पे आ गया इसी तरह ये यहाँ पे आ गया जीरो आपका ये यहाँ पे आ गया आपका जी यहाँ पे आ गया ये लास्ट की बिट यहाँ पे एक यहाँ पे स्पेस यहाँ पे खाली हो जाएगा तो इस वाली बिट को क्या रखोगे आप एज इट इज सेम आपकी जो भी एम एस पी बिट होगी वही आपकी सेम बिट होगी ध्यान रखना तो जो एम एस पी बिट होगी तो वही यहाँ पे जीरो होगा ध्यान रखना ठीक है और देखो इस नंबर को जब भी हम राइट शिफ्ट करते हैं तो जो भी नंबर होता है शिफ्ट करने के बाद क्या होता है आपका हाफ हो जाता है मीस डिवाइड बाई टू होता है तो देखो यहाँ पे क्या है आपका वन जीरो वन जीरो क्या हो गया आपका वन जीरो वन जीरो बाइडी नंबर क्या होगा आपका ये क्या होगा वन टू फोर एट तो कितना हो गया वैल्यू कितनी है टेन है तो डिवाइड करने के बाद क्या वैल्यू आएगी आपकी फाइव आनी चाहिए तो वही आपका रिजल्ट होगा देखो वन जीरो बट द दाइव तो वही यहाँ पे मैंने लिखा है इस तरह से आप शॉर्टकट चेक कर सकते हो अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आता है तो तो ये क्या हो गया आपका आर्थमेटिक राइट शिफ्ट हो गया उसी तरह आपका क्या होगा अर्थमेटिक लेफ्ट शिफ्ट होगा एंड सर्कुलर भी होगा ध्यान रखना सर्कुलर के बारे में भी आगे देखेंगे ठीक है के आपके न्यूमेरिकल इस टाइप से आपके एग्जाम में भी आते हैं बार बार बाकी तीन और हैं ठीक है बाकी तीन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे